दोस्तों, अगर आपको कुछ चटपटा और टेस्टी खाना है और वो हेल्दी भी हो तो ये नाश्ता आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल में इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे हम स्टीम कर बनाएंगे। तो चलिए इस टेस्टी नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। आज की हमारी रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप उसे मिक्सर में एक बार घुमा लीजिए। थोड़ी सी हमें इसे फाइन सूजी ही चाहिए। साथ ही में मैंने 1/2 कप यहाँ पर दही लिया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दही को थोड़ा सा फेंट लेते हैं। इस तरह से दही को फेंटने के बाद हम सूजी डाल देते हैं इसमें। स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डाल देते हैं। 1 चम्मच मैं इसमें शक्कर की ऐड कर रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मेरा दही जो मैंने आज लिया है ये खट्टा नहीं है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा साइट्रिक एसिड डाल रही हूँ। तो मैं 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम ये ऐड कर रही हूँ। अगर आपका दही खट्टा है तो आपने साइट्रिक एसिड नहीं डालना है। साथ ही मैं 1 बड़ा चम्मच इसमें ऑयल का डाल देती हूँ। ऑयल डालने से हमारा जो ये नाश्ता है बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनेगा। और चलिए अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी थिक है, मुझे इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा पानी ऐड करते हैं, एक बार मिक्स कर लेते हैं। जैसे इडली का डो होता है बस उसी तरह से हमने इस डो को बनाना है। तो अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। इसे हमने मिक्स कर दिया है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। तब तक हम एक चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली हैं। 1.5 टीस्पून मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ। दोस्तों, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इसे हम कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं। 1/2 चम्मच शक्कर, 1/4 चम्मच चाट मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा इसमें मैं पानी डालती हूँ और इसे मैं पीस लेती हूँ। हम इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, इतना ही डालना है कि ये चटनी जो है पीस के तैयार हो जाए। चटनी यहाँ पर पीस के तैयार होगी। आप देख सकते हो कितना इसका रेड कलर कितना ब्राइट दिख रहा है। तो ये हो गया है। अब हम क्या करते हैं, आज हम अपने स्नैक को इस तरह की घर की जो किचन में कटोरियाँ होती हैं इसमें बनाएंगे। तो हम इसे ग्रीस कर लेते हैं ताकि जब हम इसमें से स्नैक को बाहर निकालें तो वो आसानी से बाहर आ जाए। तो सारी कटोरियों को मैं इस तरह से ग्रीस कर लेती हूँ। कटोरियों को हमने ग्रीस कर दिया है तो अब हम सूजी को चेक कर लेते हैं। 10 मिनट इसे हमने रेस्ट के लिए रखा था और सूजी जो है वो फूल चुकी है। तो थोड़ा पानी हमें इसमें और ऐड करना पड़ेगा ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो सही हो जाए। तो अब ये बिल्कुल प्रॉपर कंसिस्टेंसी का दिख रहा है। आप देख सकते हो ये इस तरह से है, जैसे इडली का डो होता है बस उसी तरह से हमने इसे कर लिया है मिक्स। इस बैटर को अब हम 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो अब हमने ये तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हटा देते हैं, इसे साइड में कर देते हैं। तो इस बैटर में अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए 1 पिंच मैंने यहाँ पर खाने वाला सोडा लिया है, मैं ये इसमें डालती हूँ और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। सोडा डालने से हमारा जो ये स्नैक है अच्छे से सॉफ्ट होके बनेगा। और हमने जैसे ही सोडा डाला है हमारा बैटर भी थोड़ा सा फूल चुका है, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हमने जो कटोरियाँ ग्रीस करके रखी हैं वो हम ले लेते हैं और इक्वली हमने चारों कटोरियों में इसे डाल देना है। तो हम पहले 1-1 चम्मच डाल देते हैं। तो इस तरह से चारों कटोरियों मैंने इक्वली जो बैटर है डाल दिया है। इसे अब हम स्टीम करने के लिए रखते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कढ़ाई में 1 गिलास पानी डाल दिया है। एक मैं उल्टा सा ढक्कन रख देती हूँ। इसके ऊपर हम रख देते हैं 1 प्लेट और प्लेट के ऊपर अब हम रख देंगे ये कटोरियाँ जिनमें हमने ये बैटर डाला है और इसे हम कवर कर देते हैं। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम करते हैं, उसके बाद हम बाकी का बैटर इसके ऊपर डालेंगे। तो अब हमने दूसरे बैटर का बाउल ले लिया है और इसमें हमने ये जो चटनी पीसी है ना ये हम मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, हम इसे मिक्स करके थोड़ा सा रेड कलर का बना लेंगे और बीच में हम ये डालेंगे स्टफिंग और ऊपर फिर से हम डालेंगे वाइट वाली स्टफिंग। तो क्या हो जाएगा, ये सैंडविच के जैसे दिखेगा, अंदर जो ये रेड कलर है बहुत ही बढ़िया दिखेगा। इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से।
इसमें हम फिर से डाल देते हैं एक पिंच खाने वाला सोडा और इसे मिक्स कर लेते हैं। ये हो चुका है मिक्स, तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं और कटोरियों को निकाल के हम उसके ऊपर ये डालते हैं। चारों कटोरियों को हमने निकाल दिया है, तो इसके ऊपर हम फिर से ये वाला जो हमने मिक्स किया था चटनी, वो वाला बैटर को हम स्प्रेड कर लेते हैं। चारों कटोरियों में हमने डाल दिया है, थोड़ा सा इसे हम टैप कर लेते हैं कि सारी तरफ हमारा बैटर जो है फैल जाए। इसे अब फिर से हम रखते हैं स्टीम करने के लिए। चारों कटोरियों को रख देते हैं। फिर से हम इसे कवर कर देते हैं और इसे 2 मिनट के लिए स्टीम कर लेते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, कटोरियों को मैंने बाहर निकाल लिया है, तो अब जो बाकी बचा हुआ बैटर है इसमें भी हम क्या करेंगे, एक चुटकी डाल देंगे बेकिंग सोडा और इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर हम फैला देंगे वाइट वाला हमारा बैटर। अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेंगे ताकि सब तरफ ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए। थोड़ा सा इसे हम इस तरह से शेक कर लेंगे। फिर से कटोरियों को रख देते हैं स्टीम करने के लिए। कवर कर देते हैं और जब तक ये बनेंगे नहीं इसे हम स्टीम कर लेते हैं। इसे 2 से 4 मिनट लगते हैं पूरी तरह से बनने के लिए। 3 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए गैस की फ्लेम को हम करते हैं स्लो और चेक कर लेते हैं कि हमारा नाश्ता बनके तैयार हुआ है कि नहीं। चेक करने के लिए हम इस तरह से टूथपिक डालेंगे और ये देखिए टूथपिक जो है बिल्कुल क्लियर आई है, क्लीन निकली है बाहर। इसका मतलब हमारा नाश्ता बन चुका है। गैस की फ्लेम को हम कर देते हैं बंद। इन्हें हम ठंडा करते हैं, उसके बाद डीमोल्ड करेंगे। नाश्ता हमारा यहाँ पर ठंडा हो चुका है, तो चलिए इसे अब हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो डीमोल्ड करने के लिए इस तरह से नाइफ से इसे हम पूरी तरह से छुड़ा लेंगे और फिर हम इसे उल्टा करके इसे थोड़ा सा टैप करेंगे और हमारा नाश्ता जो है आराम से ये देखिए बाहर आ जाता है। ये देखिए कितना अच्छे से बन के ये तैयार हुआ है। तो चलिए सारे मैं इसी तरह से निकाल लेती हूँ। यहाँ पर हमने सभी को बाहर निकाल लिया। ये देखिए बहुत अच्छे से इसके पोर्स देखिए आप, कितने अच्छे से बना है। आप समझ सकते हो ये कितना सॉफ्ट बना होगा। तो अब इसके ऊपर हम एक तड़का डालेंगे। तड़के पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल का डाल दिया है। ऑयल यहाँ गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें थोड़ी सी राई डाल देती हूँ, सरसों के दाने। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। थोड़े से मैं इसमें सफ़ेद तिल डालती हूँ। इसी के साथ यहाँ पर कड़ी पत्ते के पत्ते को मैंने इस तरह से काट लिया है, ये भी हम डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और चलिए नाश्ते के ऊपर तड़का डालते हैं। तैयार तड़के को हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर स्प्रेड कर लेते हैं। तड़के को हमने डाल दिया है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, तो ये भी मैं थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल देती हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसे हम गार्निश कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट सा नाश्ता तैयार है खाने के लिए, सर्व करने के लिए। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया बना है। आप देख सकते हो इसके कलर जो अंदर से दिख रहा है, ये मैं आपको पास में से दिखाती हूँ। दोस्तों ये देखिए, आप इससे लहसुनी इडली भी कह सकते हो, लहसुनी ढोकला कह सकते हो, लहसुनी सैंडविच ढोकला कह सकते हो, आप जो नाम दो इसे दे सकते हो। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मेरे साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक देके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दें ताकि जब भी हम अपनी रेसिपी डालेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। जल्दी फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।